राजस्थान में घुमंतु समाज के हितों के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को घुमंतु समाज को भूखंड दिए जाने का फैसला लिया गया है, ताकि जिन लोगों के पास आवास नहीं है उन्हें भूखंड उपलब्ध करवा कर वो उस पर अपना मकान बनवा सकते हैं और खुद की सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं। इसी कड़ी में क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, दिखाते हैं आपको। सरकार ने निश्चित किया है कि राजस्थान में जितने भी घुमंतु परिवार हैं और जिनके पास अपना आवास नहीं है तथा या आवासीय भूखंड भी नहीं है, उनको हम 2 अक्टूबर को सभी लोगों को, सभी परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाएंगे ताकि अपना मकान बना सके। इनके कई लोगों के पास न तो जाति का प्रमाण पत्र है, न मूल निवासी का प्रमाण पत्र है, न आधार कार्ड है। हम उनको भी कैंप लगाकर या व्यक्तिशत अधिकारियों पर उनको बनाने का यत्न करेंगे ताकि वो सरकारी सुविधाओं का अन्य लाभ भी ले सके। सर, इसकी घुमंतु की तहसील की जनगणना कैसे होगी या किस प्रकार से इसका गणना करेंगे? सर्वे प्रारंभ कर दिया हम लोगों ने, वो ग्राम सेवक और पटवारी के माध्यम से, क्योंकि उनका एक एक पंचायत क्षेत्र होता है, वो अपना कर लेगा। वो तुम 10 पॉइंट बताओ, इसलिए अपना काम प्रारंभ कर दिया है। सर, शिक्षा नीति को लेकर के जो है अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ, 8 माह होने को आए और जो अंग्रेजी स्कूलें चल रही है उसके अंदर भी न तो टीचर है और न अंग्रेजी पाठ्यक्रम चालू हो रहा है, इनको लेकर के। ये कांग्रेस का पागलपन था कि अंग्रेजी विद्यालय क्रमोन्नत तो कर दिए, और क्रमोन्नत भी क्या किए, नाम परिवर्तित किया है, न तो वहां अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दिए, न भवन दिया, न अन्य सुविधाएं दी, और अंग्रेजी विद्यालय चालू कर दिए। इसके कारण से क्या हुआ, हिंदी विद्यालय था उसमें से आधे टीचर उधार के इधर डाल दिए, तो इधर भी आधे रहेंगे, उधर भी आधे रहेंगे, यानी राजस्थान के छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया कांग्रेस ने। ये राजस्थान के छात्रों की विरोधी सरकार थी कांग्रेस की। सर, डोडरासर की हमेशा टारगेट पर आप ही होते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? डोडरासर हमेशा आपके विरोध में ही बोलते हैं। मेरे विरोध में बोलते हैं जी, आप भी टारगेट होते हैं हर समय जी। जो कमजोर आदमी होता है ना, कोशिश करता है प्रहार करने की, प्रहार तो हो नहीं पाता है। ये कमजोर लोग हैं, शिशानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा शिक्षा विभाग बनाया तो गोविंद सिंह डोडासरा ने, अब हम इसको ठीक कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को नकेल कसेंगे, जेल भेजेंगे। सर, शिक्षा नीति को लेकर अभी शिक्षा के प्रति रोजगार एवं युवाओं के लिए कुछ नवाचार प्रदेश भर में, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उसके लिए सर क्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये रोजगार परक है और ये मातृभाषा का सम्मान करती है, जो लोकल भाषा का सम्मान करती है, क्योंकि जितना मातृभाषा में लोकल भाषा में बच्चे सीख पाते हैं जल्दी, उतनी दूसरी भाषा में नहीं सीख पाते, ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा लोकल भाषा या मातृभाषा में होगी, और उसका हमने शब्दकोश बनाना प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद पढ़ते पढ़ते भी, यानी पढ़ाई करते हुए भी, लोग जो हमारे विद्यार्थी नजदीक की उद्योगों में जाकर के और काम सीखेंगे, कुशलता प्राप्त करेंगे, और जब 12वीं में निकलेगा, वो 12वीं करके निकलेगा तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, वो इतना सक्षम हो जाएगा कि खुद का रोजगार खुद कर सकता है। दूसरा है, जब कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने जाता है और प्रथम वर्ष उसने पढ़ लिया, किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूट गई, तो जो कॉलेज का प्रथम वर्ष है उसका कोई मायना नहीं रहता था, आप उसका भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसकी भी गिनती होगी, जो परीक्षाएं होंगी यानी शिक्षा होगी उसमें भी उसकी गिनती होगी, सेकेंड ईयर की भी गिनती होगी, थर्ड ईयर में तो डिग्री दे ही देते हैं। दूसरा है कि आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस भी पढ़ सकता है, साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, क्योंकि ये समूह बना दिए अलग अलग, तो इस समूह का व्यक्ति इसमें से भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है और इस समूह का व्यक्ति इसमें से ले सकता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ताकि जो छात्र है
या जो अध्ययन कर रहे हो उनका कोई भी वर्ष बेकार नहीं होगा।